हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग की राजस्थान रोड ट्रिप सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। हमारी इस ट्रिप में पहले दिन हम लखनऊ से चलकर जयपुर पहुंचे थे। फिर आज दूसरे दिन सुबह हमने जयपुर की कई जगहें देखी और फेमस कचौड़ी खाई। अब इस एपिसोड में आप देखेंगे जयपुर से जोधपुर की जर्नी और तीसरे दिन सुबह जोधपुर में हमने क्या क्या किया। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। समय हो रहा है 12:40 और हम निकल लिए हैं जोधपुर के लिए। जलमहल से अजमेर हाईवे जाने के लिए एक रास्ता वही मेन रोड है हवा महल होते हुए, जिसमें हम सुबह कचौड़ी लेने गए थे। पर मैं बता रहा था माउंट रोड, जो सामने के पहाड़ से होकर जाती है, तो हमने वही रास्ता ले लिया कि माउंट रोड है तो कुछ बढ़िया होगा माउंटेन व्यूज़। मैप अभी पहुँचने का समय 6:40 बता रहा है, यानी 6 घंटे लगेंगे। यहाँ तक तो रास्ता अच्छा था, पर आगे ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक था। एक तो वहीं खड़े थे और मैप पहुंचने का समय दिखाने लगा 7:05 का। फिर हम वापस आमेर रोड पे आ गए। अब टाइम हो रहा है 2:10, मतलब 1.5 घंटा खराब हुआ माउंट रोड पे हमारा। तो वो रोड तो कभी ना लें, दिन के टाइम पे खासकर। अब यहाँ से आमेर रोड से ही जाएंगे हम। फाइनली NH 48 पे हम पहुंचे 3:05 पे, जो कि जल महल से केवल 15 किलोमीटर यानी 25 मिनट की दूरी पर है। यहाँ तक आने में हमें लग गए करीब 2.5 घंटे। जयपुर से जैसलमेर एक रास्ता नागौर होके जाता है। उस रास्ते से सामर लेक देखते हुए जा सकते हैं, पर वो रोड नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है, और होटल्स भी बढ़िया नहीं है रास्ते में। तो इस बार जोधपुर होके ही जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो रास्ता ट्राई करेंगे। अब यहाँ से पहाड़ दिखने लगे हैं। समय हो रहा है 5:50 और हमने ब्यावर पार कर लिया है। जयपुर आउटर से यहाँ पहुँचने में हमें समय लगा 3 घंटे। अब यहाँ से हम टर्न लेंगे जोधपुर के लिए पाली होते हुए, मतलब NH 58 जो सीधे उदयपुर जा रहा है उसे छोड़कर NH 25 पे आ गए हम। गुजरात और मुंबई जाने के लिए भी यही रोड ले सकते हैं। इस समय क्या नज़ारा है, एक तरफ चांद निकला हुआ है और दूसरी तरफ सनसेट हो रहा है।
यहाँ पहाड़ के बीच से होके रोड जा रही है। सड़क यहाँ मस्त है, 100 के ऊपर गाड़ी आराम से चल रही है। अब हम पहुंच गए हैं ब्यावर पिंडवारा रोड पर, एक जगह है बार नाम से। यहां से जोधपुर के लिए राइट टर्न लेंगे। और बर से मुड़ने के बाद जो रोड थी उसमें जोधपुर तक कोई लाइट नहीं, एकदम अंधेरा। हेडलाइट बंद करके पता चल रहा था कितना अंधेरा है। जोधपुर में हमने होटल पहले से बुक नहीं किया था, तो पहले हमने पता किया फोर्ट के पास। लेकिन फोर्ट के पास जो होटल्स हैं उनमें गाड़ी बाहर रखनी पड़ती है और गली में पैदल अंदर जाना पड़ता है। तो फाइनली हमने बुक किया मेन रोड पे, होटल मैपल अभाए। फाइनली 8:20 पे हम पहुंचे, जो स्टार्ट पे मैप हमें 6:40 पहुंचने का टाइम बता रहा था, अगर 2.5 घंटे ट्रैफिक में ना फंसते। फिर भी 1 घंटे 40 मिनट लेट हुए, 50 मिनट कवर कर लिया रास्ते में। तो ये है होटल मैपल अभय। तो आज है हमारी ट्रिप का तीसरा दिन। रात में रूम से व्यू नहीं दिख रहा था, तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, एकदम सामने फोर्ट दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है।
कल हमने ब्रेकफास्ट में जयपुर की फेमस कचौड़ियाँ खाई थी, आज हम जा रहे हैं जोधपुर की फेमस कचौड़ियाँ लेने सूर्या नमकीन में। कचौड़ियाँ लेकर अब हम वापस होटल जा रहे हैं, फिर चेकआउट करके निकलेंगे जैसलमेर के लिए। अभी 1 बज रहे हैं और चेकआउट करके हम चल दिए हैं जैसलमेर के लिए, पर उससे पहले हम जा रहे हैं जोधपुर के किले मेहरानगढ़ फोर्ट में। इसे बाहर से देखते हुए हम जाएंगे, अंदर से पहले देख रखा है। तो यह है शानदार व्यू मेहरानगढ़ किले का। तो इस एपिसोड में यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जोधपुर से जैसलमेर सम तक की जर्नी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।